सुबह के 9:15 बज गए हैं, कल शाम को वीडियो अपलोड करते करते रात हो गए, लगभग 2:30 बजे सोया मैं, और सुबह 7:30 बजे नींद खुली। कुछ पैकिंग वगैरह नहीं किया था और सुबह ही पैकिंग वगैरह किया, जो भी तैयारी थी सुबह ही किया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक से एक वीडियोज आने वाले हैं, अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो अभी सीन ये है कि वो सब तैयारी करने के बाद भी ये जो मेरा बैग है, इसको मैं सोचा था कि टैंक के ऊपर में रख के बांध के उसको लेके जाऊंगा, और टैंक बैग अभी तक नहीं लिया हूँ, लूँगा जल्दी। तो क्योंकि बैग में सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया है और सामने टैंक बैग में रखते नहीं बन रहा है, टैंक पे रखते नहीं बन रहा, तो उसको पीछे बांधने का सोचा। लेकिन जब अगर उसको मेरे को पीछे ही बांधना है तो उससे अच्छा है कि मैं अपना सैडल बैग ले जाऊँ। तो अभी उस बैग से सारा सामान निकाल के सैडल बैग में डालना है और सैडल बैग को माउंट करना है, और उसके बाद निकलना है रायपुर के लिए। मैं सोचा था सुबह 5-6 बजे निकल जाऊंगा। लॉन्ग ट्रिप में जो पहली गलती करते हैं, जो लेट से चालू करते हैं, लेट से पहुंचेंगे, और ये सब मुर्गियां मेरे घर की नहीं है ना, वो गांव की मुर्गियां हैं, वो मेरे घर में आगे चल रही है, मैं मुर्गियां नहीं पाल रहा हूँ। तो अभी ये सैडल बैग लेके आई है, सैडल बैग में सब सामान वगैरह डालते हैं और उसके बाद फिर निकलना है। चलो फिर ज्योति, हाँ आराम से रहना, फ़ोन करना। हाँ आप लोग सोच रहे होंगे ये सामने क्या लगा हुआ है, ये ऐसे कैम लीजेंड है, ये नया कैमरा एंगल ट्राई कर रहा हूँ मैं, ये बांगुड़ वालों ने भेजा है मेरे को रिव्यू के लिए। 9:45 हो गए, मैंने स्कूल से CL लिया हुआ है 3 दिन का, आज गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का। और अभी रास्ते में जीतन मेरे को सी ऑफ करने के लिए आ रहा है। नाश्ता, सुबह का नाश्ता और चाय जीतन के साथ कर रहा हूँ, और जीतन भी जाता तो बहुत मज़ा आता। आप लोग भी बोल रहे हो कि जीतन के साथ एक ट्रिप करो, और जीतन बहुत व्यस्त हो गया है। पूरी का हम लोग बहुत दिन से सोच रहे हैं, पूरी का ट्रिप करेंगे, अब देखते हैं कब हो पाता है, मन तो बहुत दिनों से है करने का। अभी नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। ट्रिप मीटर 0 कर देते हैं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ राज्य सीमा समाप्त, और यहाँ से दोस्तों चालू होता है हमारा उड़ीसा, और मैं अभी घर से आया हूँ मात्र 40 किलोमीटर। तो उड़ीसा वाले मेरे भाइयों, देखो मैं आप लोगों से कितने पास पे रहता हूँ। और उड़ीसा इंटर करते हुए सड़कें इतनी सुंदर हो गई, गड्ढे वड्ढे कुछ नहीं दिख रहे, इतने बेहतरीन क्लीन सड़क दिख रही है, ग्रीनरी है, हरियाली है। एक बज के 50 मिनट हो रहे हैं और मैं संबलपुर के आसपास में हूँ, संबलपुर पहुँच गया हूँ मैं। यहाँ से सोहेला के लिए मुड़ना है, और ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, और मेरे मोबाइल का बैटरी काफ़ी कम हो गया था, GPS कंटिन्यूस चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इसमें अपना डेटा केबल लगा देता हूँ, डेटा केबल मेरे सैडल बैग के अंदर था। और निखिल भाई के स्टाइल में बोलूँ तो सो फार सो गुड, और चलते हैं आगे। वाटर ब्रेक हो गया, और ब्रेक लेना इसलिए महंगा पड़ता है, 2 मिनट का ब्रेक लूँगा सोचा था, लगभग 10 मिनट लग गए, बैग से केबल निकालते, पानी पीते, हेलमेट का कांच साफ करते, चश्मा साफ करते। और जो मेरा एस्टिमेटेड अराइवल गूगल बता रहा था 6:20, अभी बता रहा है 6:38। तो इस तरह से जो ब्रेक्स होते हैं, छोटे छोटे जो ब्रेक्स होते हैं, वो काफ़ी भारी पड़ते हैं, इसीलिए कोशिश करना चाहिए कम से कम ब्रेक लें। ये हम लोग हैं अभी संबलपुर में, मतलब संबलपुर अगर सीधे जाएंगे तो शायद 5 किलोमीटर है, इधर कोलकाता 566 किलोमीटर है, मुंबई 1425 किलोमीटर है, मतलब 1425। और मुझे आगे राउंड अबाउट से लेना है राइट,
मुंबई की तरफ सोहेला होते हुए जाना है। ये मेरे कोई सब्सक्राइबर मित्र हैं शायद, जो मुझे रुकने का इशारा किया। वहाँ से पीछा करते आ रहा हूँ सर आपका। कहाँ से? हमारे रेमेर चौक से। आपको मैसेज कर रहा था कल से, आपको बिजी हैं थोड़ा। अच्छा अच्छा, वो क्या है ना, मैं नहीं देख पाया उसको। एक मिनट। हालचाल बढ़िया? सब बढ़िया। और क्या करते हो आप? सर मैं अभी इंजीनियरिंग खत्म किया हूँ। अच्छा, किस नाम से है आपका आईडी? जी ज्योतिरंजन प्रधान। मैसेज किया? अच्छा, इंस्टा पे किए हैं या फिर कमेंट पे किए हैं? अच्छा, आपका जो इंस्टा स्टोरी मैं उसी में भी दिया हूँ और पर्सनल मैसेज भी दिया। अच्छा, क्या अभी मैं चेक नहीं कर पाया हूँ उसको, कोई भी कमेंट वगैरह चेक नहीं कर पाया हूँ। हाँ, तो अभी मैं एक भी ब्रेक नहीं लिया हूँ, मतलब एक ब्रेक लिया था पेट्रोल डलाने के लिए। संबलपुर के पास में हूँ और यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मित्र ज्योतिरंजन प्रधान जी मिले हैं और इनके घर का नाम है चिंटू। और मज़े की बात यह है कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे कॉलेज के दोस्त मेरे को चिंटू बुलाया करते थे, चिंतामणि को शॉर्ट करके वो लोग चिंटू कर दिए थे और उसको लिखते क्या था, CHIN उसके बाद टू। तो अपने नाम वाले बंदे ने मिलकर बड़ा अच्छा लगा। और अभी भाई मेरी हेल्प करेंगे, एक दो फोटोग्राफ खींचेंगे मेरी आज के वीडियो के थंबनेल के लिए। तो अभी जो इस वीडियो में जो थंबनेल आपको दिखा होगा वो इन्होंने ही खींचा है, तो इनको एक बार थैंक यू बोलना आप लोग। बेस्ट ब्लॉगर। अरे थैंक यू वेरी मच भाई। सेशन हो गया थंबनेल के लिए और हमारे चिंटू भाई यहाँ उड़ीसा कटक साइड का एक फेमस डिश खिला रहे हैं, क्या कहते हैं इसको? आलू दम दही बड़ा ये खाते हैं, टेस्ट करते हैं। और थैंक यू भाई, वैसे भी भूख लगी थी, सुबह जो मैं भजिया खाया था ना जीतेन के साथ उसके बाद नहीं खाया हूँ, खा लो यार। तो अभी बढ़िया हैवी भी लग रहा है, अच्छा लगता है, पेट जम के भरेगा। ये वाले भैया बना रहे हैं बढ़िया, सड़क के किनारे हाईवे में इनका स्टॉल है, बड़ा खूबसूरत सा स्टॉल है, वो मोपेड पे बढ़िया छतरी वतरी लगा के अपना दुकान सजाया हुआ है, हमारी भूख मिटा रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत एकदम टेस्टी लग रहा है। थैंक यू भाई चिंटू खाना खिलाने के लिए, चला जाए, आइएगा भैया जरूर। पक्का। ज्योति मेरे को फ़ोन कर रही थी बार बार कि खाना खा लो और ब्रेक लेने का मन नहीं कर रहा था, भूख महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अभी चिंटू यहाँ पे वो खिलाया, क्या बोलते हैं, दही बड़ा, आलू दम दही बड़ा। तो जैसे ही मैं एक निवाला लिया, एक बाइट लिया, खाया तो लगा कि यार जम के भूख लगी है, उसके बाद फिर भूख जाग गई। तो थैंक यू चिंटू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। और काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया, 264 किलोमीटर बचा हुआ है, अभी बज रहा है 3:15 और 4 घंटे 40 मिनट की राइड दिखा रहा है गूगल बाबा और एस्टिमेटेड अराइवल है 7:16। अभी और कोई ब्रेक नहीं लूँगा, मतलब मेजर ब्रेक नहीं लूँगा, सोचता तो वैसा ही हूँ कि शॉर्ट ब्रेक लूँगा लेकिन ब्रेक लंबा हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, रोड्स तो सनान है, एकदम सनान। यहाँ पर बुरला में और कुछ हमारे भाई लोग मिले हैं, रौनक महाराणा, रौनक भाई, सुमित जी ना, SJ मोटो व्लॉग भाई लोग मस्त गाड़ी लेके आए हैं, 220 है अपना, RC है, RC 390, ये डोमिनर है, मतलब मेरे लिए तो ऐसा है जैसे बच्चों को कोई खिलौना दिखाते हैं ना, वैसे मेरे को लग रहा है कि डोमिनर भी चलाऊं, मेरे को लग रहा है कि ये RC भी चलाऊं, RC नहीं चलाया हूं आज तक। तो अब भाई लोग को टाटा बाय बाय करेंगे, थोड़ी देर बातचीत करेंगे, मैं इनकी गाड़ी ट्राई करूंगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलता हूं, ठीक है? थैंक यू भाई लोग, थैंक यू। डोमिनर ट्राई करता हूं। अरे वाह, YouTube में आने के बाद बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं यार, ये सब गाड़ियाँ चलाने को मिल रही हैं। वाह, एग्जॉस्ट नोट तो बहुत ज़बरदस्त है, आज पहली बार डोमिनर में बैठ रहा हूँ और मन है डोमिनर लेने का। एग्जॉस्ट नोट अच्छा है, पावर डिलीवरी बिल्कुल सही है, पिकअप ब्रेकिंग
जबरदस्त है। ब्रेक मार के देखता हूँ, ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो डोमिनर का टेस्ट राइड सही लग रहा है मेरे को, और कंफर्टेबल भी है, सीट भी बढ़िया कंफर्टेबल है, और जो पैर रखने का जो पोस्चर है वो भी सही है, हल्का सा बैंड है नी लेकिन सही है। तो यहाँ से हम लोग अभी यू टर्न लेंगे और मैं चलाऊंगा RC 200, चला के देखूंगा, मज़ा आएगा। डोमिनर ओके टेस्टेड पास। दिनों से चाहत थी कि इन सारी गाड़ियों को चलाने चला के देखूं, और आज भाई लोग की वजह से, YouTube की वजह से, आप सबके प्यार की वजह से इन सब गाड़ियों को चलाने का मौका मिल रहा है। ड्यूक पहली बार मैं 2-3 दिन पहले चलाया था इसका, पंकज का, और आज देखता हूं RC चला के, RC 200। अच्छा ये सीट ही है लगता है पूरा काऊ लेकर के। चलो अब चलाते हैं RC 200। सीटिंग पोस्चर काफ़ी स्पोर्टी है, इस तरह की गाड़ियों का अपना अलग मज़ा है, और बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नहीं है, मैं तो बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मैं तो इस गाड़ी में भी लॉन्ग राइड कर लूँगा। हाँ लेकिन कुछ 100-200 किलोमीटर के बाद शायद कमर में कंधे में दर्द चालू होगा, लेकिन मैं कर लूँगा, इस गाड़ी में भी मैं लॉन्ग राइड कर लूँगा। पावरफुल है, वाओ ब्रेकिंग भी ज़बरदस्त है, कॉर्नरिंग वगैरह में तो बड़ा ज़बरदस्त ग्रिप है यार, बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा है इस गाड़ी में। अरे 104 की स्पीड में था मैं, वाओ गजब। ब्रेकिंग भी बहुत ज़बरदस्त ब्रेकिंग है, वाओ शॉर्ट राइड्स के लिए तो बहुत तबाही शानदार गाड़ी है यार। आज तो बाइक्स की लाइन लगी हुई है, बरगढ़ में हूँ और ये सारे भाई लोग मिलने के लिए आए हुए हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत स्पेशल सा फील हो रहा है। तो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे भाई लोग, मैं मिलाता हूँ सभी से। राहुल भाई, विक्रम भाई, दीपक भाई, प्रशांत भाई, सूरज भाई, ये लोग ये सारा कुछ लेके आए हैं, पानी का बोतल, स्प्राइट और फिर सब कुछ। तो भी बस पानी वानी पीते हैं फिर मैं निकलता हूँ। ओके भाई लोग, और गाड़ी धीरे चलाना ना, बहुत खतरनाक बाइक्स हैं तुम लोग के पास। बाय बाय। यहाँ से रायपुर है 216 किलोमीटर, बलांगीर 76 किलोमीटर, और मुझे लगभग 3.5-4 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे रायपुर के लिए। 7:45 बज रहे हैं, मैं पिथौरा के आसपास में कहीं पे हूँ, और मेरे हेलमेट के वाइजर में बहुत सारे मच्छर मर गए थे, इसलिए फिर मैं गाड़ी रोक के अपना हेलमेट का वाइजर साफ कर रहा हूँ। 100 किलोमीटर और बचा हुआ है। पहुँच गया मैं रायपुर, और अभी 8 बज रहे हैं, राइट टाइम पे पहुँच गया। मेरे को लग रहा था कि काफ़ी देर हो जाएगा भाई लोग से मिलते मिलते, मैं आ रहा था। 10 बज गए रूम ढूंढते तक, और मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो मैं आज ही एडिट कर दूं। एक्चुअली होता क्या है, GoPro की जो फुटेज होती है उसको मोबाइल में डाउनलोड करने में, वाईफाई से डाउनलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब से मेरा GoPro ड्रॉप हुआ है ना, तब से बहुत टाइम लगता है फाइल ट्रांसफ़र में। तो आज मैं एक कार्ड रीडर लेके आया हूँ, तो इसका मेमोरी कार्ड निकाल के मैं मोबाइल में OTG केबल से उसको कनेक्ट करके फुटेज डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा, और अगर हो जाता है तो आज मैं एडिट करके ही सोऊँगा, ताकि यह वीडियो आप लोगों को कल देखने को मिल जाए, और अगर नहीं हो पाता है तो कुछ विलंब से अपलोड होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।